होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं KVS की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे ही आप KVS की साइट पे जाएंगे आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिखेगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वैसे अनाउंसमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आपने जो लास्ट के अनाउंसमेंट है ये 3, 4, 5 ये अनाउंसमेंट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेटर आपको डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक टीचर है उसके लिए भी कैसे आपको अपना इंटरव्यू जो है लेटर वो लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड दोनों है, जिसमें से अगर आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेटर लेना है तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, अगर आपको प्राइमरी टीचर के लिए लेना है तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में मैं एक का प्रोसेस बताती हूँ, जैसा मैं एक का बताऊँगी सिमिलरली वैसा ही प्रोसेस जो है सेकेंड का होगा, ठीक है। और मैं डिटेल पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे ओके क्लिक करूँगी। ओके क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि मैं लॉगिन करूँ दो प्रोसेस से, एक है नंबर और पासवर्ड से और एक है डेट ऑफ बर्थ से। तो अगर आपको अपना नंबर एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ पासवर्ड पता है तो आप ऑप्शन 1 पे जा सकते हैं, बट हो सकता है आप पासवर्ड भूल जाते हैं निकल जाते हैं तो आप ऑप्शन 2 पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाती हूँ पासवर्ड वाले ऑप्शन पे, तो मैं जैसे ही पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाती हूँ यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं फिल करने के लिए, जिसमें से पहले मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन नंबर आपको आपके जो एग्ज़ाम देने गए होंगे वो वाले एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, आपको आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगा, नहीं तो आप जो अभी क्या कहते हैं जो लिस्ट निकली थी इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वहाँ पर भी आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो कहीं से भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो जो सेकंड ऑप्शन था जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ करना था वहाँ से आप करके फिर ये सिक्योरिटी कोड जो लिखा हुआ है 52A4A7 एलओ करके इस पर ये लिखने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करते ही आपका जो है इंटरव्यू लेटर आ जाएगा और आप इंटरव्यू लेटर में अपना प्रॉपर देख सकते हैं। वैसे तो आपको अपनी डेट्स पता लग गई थी, और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ से भी जा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा बता दिया मैंने, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा आपको वो डाल के अपना पिन डालना है और आपको साइन इन करना है, ठीक है। वैसे अब ये जो है वो इंटरव्यू लेटर का आपको फोटोकॉपी करवा के रख लेनी है, और ये इंटरव्यू लेटर जो है वो आप जब अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये भी साथ में लेके जाएंगे। बिकॉज जो नोटिस मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको अपने इंटरव्यू लेटर और जो कैटेगरी है वो सब चीज़ के सर्टिफिकेट सब कुछ आपको अपने साथ लेके जाने हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, बिकॉज उसमें जो पब्लिक नोटिस आया था उस पब्लिक नोटिस में काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। और इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड सॉरी एप्लीकेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हो, मेल से आप भूल गए हो, मेल बहुत नीचे से ले गई है, या फिर आपका जो पेपर था जो पेपर देने गए थे जो आपका जो एडमिट कार्ड था वो आपसे खो गया है, तो उस केस में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैंने वैसे प्योर वीडियो बनाई थी। तो उस केस में अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप ये लिस्टेड कैंडिडेट पे जा सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 7th नंबर पे होगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहाँ पे प्रॉपर ये PDF दे रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप दोनों PDF देख सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना नाम, इंटरव्यू, डेट ऑफ बर्थ, इनफैक्ट आपको अपना जो इंटरव्यू डेट होगा वो भी पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है इंटरव्यू लेटर अपना ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ, DLED के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, तो उससे रिलेटेड जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ मैंने SLM स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट के 3 टॉपिक जो पेपर में आए हुए हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।